ये कहानी एक बांझपन की दुख भरी कहानी है। आई इस कहानी में आपको लेकर चलते हैं। कम्मू ये नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर कम्मू नाम रखा ही रहता था। कम्मू यानी कमला। कमला हसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कम्मू से बात नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता। कम्मू मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। कमला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसे कम्मू पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कम्मू के छोटे बेटे की शादी है। कम्मू आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी आई घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कम्मू उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कम्मू के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए कम्मू के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कम्मू परेशान रहने लगी आई। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछते वह क्या जवाब देती। अब कम्मू छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी। पर इससे होता क्या, ये सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही आई अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की आई बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे। पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कम्मू के द्वारा भी आई पूरे जतन किए गए हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी परंतु सभी विफल रही आई। जिस घर में खुशियों की किलकारियां उठती आई थी आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। कम्मू का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी आई को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी आई बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता जो उसे देखने को मिला। ये बात उसने अपने दोस्त को बताए और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ये बात घर पहुंची तो घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्मू ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घरों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की आई पत्नी ने कई साल सहा उसका आज उसे सुख मिल गया। ये कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती है और किसी डॉक्टर की सलाह ना लेकर देवी देवता में विश्वास करती है। हमें नियत समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी आई चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है।